दिन हो या हो अब रात, दिन हो या हो अब रात, ए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अब तो मुझे सिर्फ तुझे ही पाने का ख्वाब आता है। हेलो नमस्कार, मैं डीके, आप सभी का उत्थान साइंस एकेडमी के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। देखिए डियर, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मेनली जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उस पर चल रहा था। उसमें हमने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स वो है स्टडी कर लिया था, और हमने स्टार्ट किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने जो स्टडी की थी वो पहला सूक्ष्म पोषक तत्व था आयरन। ठीक है, आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी जो संख्या थी वो टोटल एट थी। इसमें हमने एक न्यूट्रिएंट्स स्टडी किया, आज अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो है मैग्नीज। कौन सा है बच्चों? मैग्नीज। देखो मैग्नीज, देखिए अपन सबसे पहले डिस्कस करें तो ये दो रूपों में पाया जाता है, एक तो मैग्नम, एक तो है मैग्नम और एक है Mn+3, मैग्निक, मैग्निक। ठीक है, दो रूपों में पाया जाता है और ये दो रूपों में ही पौधों को क्या होता है? प्राप्त होता है। अब अपन देखेंगे इसमें सबसे पहले इसका वर्क क्या क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन वर्क की बात करते हैं डियर। तो जो वर्क होता है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आयरन में भी हमने ये वाला पॉइंट वहां पर डिस्कस किया था। तो देखिए ये लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, पहला हमारा यहां पर वर्क होता है कि ये लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है बच्चों? सहायक होता है। दूसरा अपन यहां पर बात करें कि पर्णहरित के निर्माण में भी ये क्या होता है? सहायक। पर्णहरित पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो मेनली मैग्नीशियम से होता है, बट ये भी वहां पर अपनी हिस्सेदारी को निभाता है। तो पर्णहरित के निर्माण में सहायक, पर्णहरित के निर्माण में सहायक, ये दूसरा इसका वर्क कंप्लीट होता है। तीसरे वर्क की यहां पर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की, जब जो पौधे हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं वो किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है? हिल अभिक्रिया होती है। तो उस हिल अभिक्रिया के दौरान जल में क्या होता है? विघटन, मतलब टूटने की प्रक्रिया होती है। तो जल विघटन में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। तो तीसरा वर्ग देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हिल अभिक्रिया के दौरान, हिल अभिक्रिया के दौरान जल विघटन में सहायक, जल विघटन में सहायक। ठीक है, तो ये इसके मेनली होते हैं वर्ग। पहला क्या था? लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, दूसरा है पर्णहरित के निर्माण में सहायक, और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में हिल अभिक्रिया के दौरान जल विघटन में सहायक। अब बात करते हैं इसके जो कमी के लक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए प्यारे, कमी के लक्षण, तो देखिए कमी के जो लक्षण वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था अलग से कि कौन से पोषक तत्व की जो कमी के लक्षण है वो कहां पर पाए जाते हैं। तो देखिएगा कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, ठीक है। तो कमी के लक्षणों की बात करें तो कमी के जो लक्षण है वो पौधे में कहां पर उपस्थित होते हैं, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नई पत्तियों पर है कि पुरानी पत्तियों पर है, शीर्ष शाखा पर है या मध्य में है। तो मैग्नीज का जो लक्षण है वो नई पत्तियों पर दिखाई देता है, किस पर दिखाई देता है? नई पत्तियों पर। तो पहला पॉइंट बताया कमी के लक्षण,
नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण जो है वो कौन से पत्तियों पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर। ऊपर ऊपर वाली होती है शीर्ष शाखा, शीर्ष जहां पर कलिका निकलती है, फूटान होती है, उसका जस्ट नीचे वाली जो पत्ती होती है वो कौन सी होती है? नई पत्ती। और इसके कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं? नई पत्ती पर। अब नई पत्ती पर बनता क्या? हरिमाहीनता एवं नई पत्तियों पर हरिमाहीनता को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर? क्लोरोसिस हो जाता है। नई पत्तियों में लक्षण दिखाई दिए और उन नई पत्तियों में क्या बन जाता है वहां पर? हरिमाहीनता या फिर क्लोरोसिस के लक्षण वहां पर आ जाते हैं। अब दूसरा है कि जो पत्तियां थी उनकी जो सिराएं हैं वो क्या हो जाती है? छोटी छोटी बन जाती है। तो पत्तियों की छोटी छोटी सिराएं बन जाती। ठीक है, जो पत्ती का मेनली आकार होता है ना, पत्ती लीफ का, वो क्या हो जाता है? बिल्कुल सिकुड़ जाता है। अपन कहते हैं बिल्कुल सिकुड़ गया, बिल्कुल इकट्ठा हो गया, तो वो सिराएं छोटी बन जाती है। जहां से पत्ती का आकार निकलता है, यहां से निकल रहा है, ठीक है ना, ये क्या है? सिराएं। ये क्या है डियर? सिराएं। तो ये क्या हो जाती है? आपस में सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ेंगी तो सीधी सी बात है पत्ती का आकार यहां पर क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट है सोयाबीन। अब दो फसलों की बात करें, एक है तिलहनी और एक है खाद्यान्न। सोयाबीन व जई ग्लाइसिन मैक्स एंड एविना सटाइवा, जंगली जई नहीं है ये, खाद्यान्न वाली जई है। तो इन पर शीघ्रता के लक्षण दिखाई देते हैं। जई पर शीघ्रता से लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, दो फसलें हैं, एक सोयाबीन है और एक जई है, इन दोनों पर जो लक्षण है वो क्या होते हैं? शीघ्रता से दिखाई देते हैं। ये इसके मैनी लक्षण है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पर है रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि यहां से मैग्नीज से क्वेश्चन बनता है, वो रोगों से बनता है। तो देखिए रोग है, इनको नोट करते हुए चलिए आप साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप इनके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। तो देखिए डियर, अब जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा रोग। जो कमी से रोग होते हैं वो किन किन फसलों में होते हैं और कौन कौन से रोग यहां पर फसलों में डेफिनेट होते ही है। तो पहला रोग होगा जौ व जई। अब दोनों खाद्यान्न की फसल है, जई भी और जौ भी। जई के बारे में अभी हमने बात की, सोयाबीन और जई में कमी के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। तो जौ और जई में ग्रैस्पर रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। जौ व जई में ग्रे स्पेक रोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बारी बारी से कह रहा हूं, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा रोग है मटर का मार्श। देखिए मैसे मटर और मैसे मार्श स्पॉट। मटर में कौन सा रोग होता है? मार्श स्पॉट। स्पॉट का मतलब धब्बे, मटर में धब्बे बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। तीसरा है गन्ने में फहला ब्लाइट। झुलसा रोग हो जाता है, ब्लाइट का मतलब झुलसा रोग, ठीक है ना। तो गन्ने में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लाइट, फहला ब्लाइट। अब देखिए तंबाकू की अपन फसल लगाते हैं, तो तंबाकू में इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारी पत्तियां या फिर टॉप, उसका जो टॉप वाला सिरा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉप में क्या हो जाता है? टॉप सीक नेस, सीक मतलब कमजोर, नेस का मतलब हट जाना। तो तंबाकू में टॉप सीकनेस, टॉप का मतलब सबसे ऊपरी भाग होता है बच्चों, टॉप का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग। और सीक मतलब वो कमजोर हो जाता है, क्या हो जाता है? सीकनेस मतलब वो कमजोर हो जाता है। फिफ्थ रोग है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग। इंपॉर्टेंट, सारे के सारे रोग बहुत इंपॉर्टेंट है,
ब्राउनिंग रोग ये बोरोन की कमी से भी होता है मेल, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर मैगनीज लिया गया। तो ये रोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जई में ग्रे स्पॉट रोग है, मटर का मार्श स्पॉट, गन्ने में फहाला ब्लाइट, तंबाकू में टॉप सिकनेस, फूल गोभी में ब्राउनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब कॉपर के बारे में अपन यहां पर बात करेंगे, ठीक है। कॉपर तीसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा वो कौन सा होगा यहां पर, कॉपर। देखिएगा कॉपर, अब देखिए कॉपर को अपन तांबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं यहां पर अपन इसको, तांबा भी इसको कहते हैं। देखिएगा अब कॉपर दो रूप में होता है, Cu+2 और Cu+3। Cu+2 को बच्चों पर कहते हैं क्यूप्रस और Cu+3 को कहते हैं क्यूप्रिक, कोई दिक्कत, दो रूपों में पाया जाता है ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक। ये तो हो गया इसका मेनली। अब अपन बात करते हैं इसके वर्क की, कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। इसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, कॉपर में जो इंपोर्टेंट है वो रोग है, और इस रोग में या इसकी कमी से जो रोग है उसमें से डेफिनेट हमेशा एक क्वेश्चन आता है, वो देखेगा अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पहला काम होगा इसका वही होगा, लगभग इसके जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो वर्क है ना वो लगभग लगभग इक्वल है सभी के। तो प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना, प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में ये क्या होते हैं बच्चों, साय, प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में साय, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। प्रकाश संश्लेषण में एक ये साइनिन लेयर बनती है, उसका निर्माण में क्या होता है, ये मेनली सहायक होता है। दूसरा बात करके वसा और प्रोटीन में भी इसका क्या होता है, उस ये ऑक्सीकारक का काम करता है, कौन, कॉपर। वसा और प्रोटीन के निर्माण में जो ऑक्सीकारक बनता है उसके निर्माण में भी क्या होता है, सहायक। तो देखिए सेकेंड वर्क होगा, वसा हुआ है प्रोटीन में ऑक्सीकारक के निर्माण में सहायक, ठीक है डियर, ओके। तीसरा बात करें, अब ये विटामिन में भी सहायक होगा, तो विटामिन कौन सा होगा, विटामिन ए व विटामिन सी के निर्माण में सहायक, के निर्माण में सहायक, ठीक है ना। विटामिन कौन सा है, विटामिन ए है और विटामिन सी है। लास्ट अपन वर्क की बात करें तो पौधों में इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन होता है पूरे पौधे में, उसके निर्माण में भी सहायक कौन होता है, कॉपर। ये इसके हैं वर्क। अब लक्षण की बात करें तो लक्षणों में भी ज्यादा कुछ है नहीं, ये इसके जो लक्षण है वो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं डियर, इसके जो लक्षण है वो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। देखिएगा लक्षण है वो कहां पर दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर, ठीक है। लक्षण कहां पर दिखाई दिए, पत्तियों पर। दूसरा वर्क है इसका, अब देखिए फलों में रस बनता है, फलों में क्या बनता है, रस, जैसे नींबू वर्गीय है उनमें तो प्रॉपर पूरा ही क्या है, जूस है, ठीक है ना। तो जो भी जूस वाले जो फ्रूट है जिनसे रस निकलता है उनके फल में अम्ल, अब अम्ल का मतलब अम्ल होता है खट्टा, तो खट्टा क्या है, सिट्रस फूल वाले जो नींबू वर्ग के जो फल है वो सारे के सारे कैसे हैं, अम्ल पाया जाता है उनमें, खट्टे होते हैं, तो उनमें रस का जो निर्माण करता है वो खट्टा जो बनाता है वो कौन बनाता है, कॉपर, कौन बनाता है, कॉपर। तो फलों के रस में अम्ल का निर्माण, फलों के रस में अम्ल बनाता है, सीधी सी बात करें फलों के रस में क्या बनाता है भाई, अम्ल बनाता है, ओके। ये दो इसके वर्क है। अब मेन जो काम होगा वो होगा इसका रोग, डिजीज, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और ये रोग ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से कि नींबू में डाइबैक रोग कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, या फिर डाइबैक रोग कौन से फल में होता है, तो नींबू में। क्वेश्चन कैसे ही घुमा फिरा के आ जाए होगा वही। तो पहला रोग है
नींबू में डाइबैक्रो, नींबू में कौन सा रोग होता है डियर? डाइबैक। क्वेश्चन यहां पर तीन तरह से बनता है, डाइबैक्रो किस में होता है? नींबू में। ठीक है, नींबू में कौन सा रोग होता है मेनली? डाइबैक। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का मेथड है, नींबू में डाइबैक्रो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो वहां पर राइट आंसर क्या होगा? कॉपर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो नींबू में यहां पर इसकी कमी से तीन रोग होते हैं, नींबू में गमोसिस, दूसरा क्या है? नींबू में गमोसिस, ठीक है। तीसरा होगा नींबू में छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती रोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइबैक वाला। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, डिजीज से ही हमेशा क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है,